इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई और ओरिजिन का पोटेंशियल जीरो दे रखा है, तो वी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आर टू रिफरेंस टी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सीधा फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन आर जहां पे पोटेंशियल निकालना है, कहां निकालना है एक्स कॉमा वाई पे, रिफरेंस जहां का पोटेंशियल जीरो माने हो। एक मिनट, ओ वी नॉट पोटेंशियल एट ओरिजिन दिया हुआ है, ओके ओके ओके, रेफरेंस तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर का और इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो डीवी, अब लोअर लिमिट चलो मैं लगाता हूं ओरिजिन का, तो पोजीशन हो गई जीरो कॉमा जीरो और इसका पोटेंशियल कितना है वी नॉट, अपर लिमिट वी और यहां क्या हो गया एक्स कॉमा वाई, इधर आ जाएगा v माइनस बी नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीग्रेशन e डॉट डी आर, e की वैल्यू है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे डॉट डी आर, डी आर की वैल्यू है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। यहां पे ये कोई दिया होना चाहिए था कि ई एक्स और ई वाई ये कांस्टेंट है, वरना हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे आगे। खैर यहां पे लिमिट जीरो जीरो, यहां एक्स कॉमा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। अब ई एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट तभी कर पाओगे ना जब ई एक्स कांस्टेंट होगा, वरना उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो यहां से हो गया माइनस ई एक्स बाहर ले रहे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ई वाई बाहर ले रहे हैं इंटीग्रेशन डी वाई और लिमिट लगा दो एक्स की लिमिट जीरो टू एक्स और वाई की लिमिट जीरो टू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ई एक्स इंटू एक्स प्लस ई वाई इंटू वाई, ठीक। तो वी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वी नॉट माइनस ई एक्स इंटू एक्स माइनस ई वाई इंटू वाई, तो v नॉट माइनस एक्स ई एक्स वाई ई वाई, ये राइट आंसर हो गया। यहाँ पे दिया होना चाहिए था इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।